फ्रेंड्स, मैं राधिका आलमंटू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक टेस्टी नाश्ता रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे मैंने चावल के आटे से बनाया है। ये एक हेल्दी रेसिपी भी है और इसे बनाना बहुत आसान है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस नाश्ता रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 2 चम्मच तेल डालकर तेल को गर्म होने देंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच राई और राई को तड़कने देंगे। जब भी आप तेल में राई को डालें तो राई को अच्छी तरह से तड़कने दीजिए। यदि अच्छी तरह से राई नहीं तड़केगी तो इसका स्वाद खाने में कड़वा लगेगा। अब आप देख सकते हैं राई अच्छी तरह से तड़क गई है तो इसमें हम डाल देंगे 1/3 चम्मच जीरा, साथ ही में डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मिर्ची की क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे इनको। मिर्ची अच्छी तरह से पक गई है तो इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। और इसे भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं प्याज में हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1/3 चम्मच लिया है हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे चलाते हुए पका लेंगे। मैं यहाँ इस स्टफिंग को थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ। यदि आप कम तीखा खाते हैं तो मिर्ची की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। अब मसाले भी अच्छी तरह से पक गए हैं तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप हरी मटर। मैंने यहाँ 1/2 कप हरी मटर ली है जिसे मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है, बिल्कुल पीसना नहीं है, सिर्फ हल्का सा क्रश करना है। इस तरह से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है तो इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1-2 मिनट के लिए चलाते हुए पकाएंगे। आप यहाँ पर अपनी मन पसंद किसी भी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, और जो आपको पसंद नहीं हो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। 1-2 मिनट हो गए हैं, मटर भी अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच चाट मसाला। डालकर अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 कप पत्ता गोभी जिसे मैंने बारीक काट लिया है। इसे डालकर हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। पत्ता गोभी को हल्का सा कच्चा रखना है। जब पत्ता गोभी हल्का सा कच्चा रहता है तो उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है खाने में। इस तरह से हम चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। 1-2 मिनट हो गए हैं, गैस को हम बंद कर देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नींबू का रस, इससे बहुत ही चटपटा स्वाद आता है ये स्टफिंग का। डालकर अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और अब हम स्टफिंग को ठंडा होने देंगे। स्टफिंग अच्छी तरह से ठंडी हो गई है तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। मैंने स्टफिंग को बाउल में ट्रांसफर कर लिया है तो अब हम चलते हैं दूसरी प्रोसेस की तरफ। चावल का आटा लगाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 1/2 कप पानी डालकर पानी को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल, साथ ही में डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। अच्छे से मिक्स कर देंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। जब भी आप चावल का आटा लगाएं तो सबसे पहले आप जितना चावल का आटा ले रहे हैं उतना ही पानी लें। फिर बाद में यदि आपको ऐसा लगता है कि पानी की ज़रूरत और है या चावल का आटा थोड़ा सूखा लग रहा है तो यूज़ करें। यदि आप पहले से ही ज़्यादा पानी ले लेंगे तो चावल का आटा गीला हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब आप देख सकते हैं पानी में एक उबाल आ गया है तो गैस को हम बिल्कुल लो कर देंगे। अब जो हमने चावल का आटा लिया है उसे हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। अब अच्छी तरह से पूरे आटे को हम पानी के अंदर मिला देंगे। ये चावल का आटा दिखने में ऐसा ड्राई जैसा लगता है लेकिन जब हम इसे अच्छी तरह से मसलेंगे तो ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा, इसलिए पानी का यूज आप थोड़ा ध्यान से करें। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ढक करके 5 मिनट के लिए हम इसे ऐसा ही छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को हम हटा देंगे और आटे को एक बार अच्छे से वापस से मिक्स कर देंगे।
यदि आपको ऐसा लगता है कि ये ड्राई लग रहा है तो आप इसमें पानी और डाल सकते हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है, तो अब हम इसे मसल मसल कर अच्छी तरह से डो की तरह तैयार करेंगे। तो अपने हाथों में हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि ये हाथों में हमारे चिपके नहीं। ये प्रोसेस हमें गरम गरम में ही करना है, इसे आप ज़्यादा ठंडा ना होने दीजिए। देखिए कितनी आसानी से बाइंड हो रहा है और बिल्कुल स्मूथ डो की तरह हमें तैयार करना है इसे। देख सकते हैं मैंने यह नरम आटा लगाकर तैयार कर लिया है, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। अब मैंने प्लेट में साइड में थोड़ा सा चावल का सूखा आटा ले लिया है, इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरह से गोल करेंगे और इसे हम बेलेंगे। थोड़ा सा चावल के आटे में सूखे में लपेटेंगे। मैंने इस तरह से इसे बेल लिया है। इसके लिए पूरी ना तो ज्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज्यादा मोटी होनी चाहिए। अब हम इसके ऊपर एक चम्मच स्टफिंग रखेंगे, जो हमने स्टफिंग बनाई थी। इस तरह से एकदम ज्यादा नहीं भरना है और इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसे हम इस तरह से दबा देंगे ताकि जो स्टफिंग है ये बाहर नहीं आए। मैं आपको दूसरे तरीके से बता रही हूँ। इस तरह से आप थोड़ा सा पोर्शन लें, लोई की तरह गोल करें और अपने हाथों से इस तरह से इसे फैलाएं। ये देखिए आप इसकी थिकनेस को देख सकते हैं। अब जो हमने स्टफिंग बनाई है वो इसके अंदर हम भर देंगे और इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे। हल्का सा हम इस तरह से रोल कर देंगे, तो जो आपको बेस्ट लगता है आप उस तरह से बना लीजिए। बस आप इसे पैक करते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये अच्छी तरह से पैक हो। मैं यहाँ ये फरे बेलकर बना रही हूँ, आपको जो बेस्ट लगता है आप उस तरीके से बना लीजिए। मैंने सारे फरे बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो चले अब हम इन्हें पकाएंगे। फरों को पकाने के लिए मैंने एक भगोनी में 2 गिलास पानी डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि हम इन फरों को भाप में पकाएंगे और फरों को भाप में ही पकाया जाता है। यदि आपके पास स्टीमर हो या इडली स्टैंड हो या ढोकला मेकर हो तो आप उसमें भी इन फरों को पका सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास ये तीनों नहीं है तो आप इस तरह से एक तपेली में 2 गिलास पानी डालकर गर्म होने दीजिए। उसके बाद आप इस तरह की एक छल्ली ले लीजिए जिसमें छेद हो और उसे ऑयल लगाकर ग्रीस कर लें और इस छल्ली को इसके ऊपर इस तरह से रख दें। अब जो हमने सारे फरे बनाए हैं वो हम इसके ऊपर रख देंगे, जितने प्लेट में आ जाएंगे उतने हम रख देंगे। अब आप देख सकते हैं पानी में से भाप निकलने लगी है। मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया था जिससे कि ये पानी जल्दी गर्म हो गया है। तो अब हम इसे ढक देंगे और ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। 15 से 20 मिनट हो गए हैं तो हम ढक्कन को हटा देंगे और ये फरे भी अच्छी तरह से भाप में पक गए हैं, तो गैस को हम बंद कर देंगे। इन्हें पकाते समय आप बीच बीच में इसके अंदर के पानी को भी चेक करते रहें कि पानी खत्म तो नहीं हुआ है। यदि पानी खत्म हो जाए तो आप इसमें पानी और डाल दीजिए। अब हम इस प्लेट को उतार लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये वेजिटेबल फरे अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं, अब ये खाने को रेडी है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तड़का लगाने के लिए एक पैन में हम 2 चम्मच तेल डालकर तेल को गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे 1/3 चम्मच सरसों के दाने और इसे चटकने देंगे। सरसों अच्छी तरह से चटक गई है तो इसमें हम डाल देंगे 8 से 10 कड़ी पत्ते, साथ ही में डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और इसे हल्का सा हम पका लेंगे। तड़का लगाने से ये वेजिटेबल फरों का टेस्ट और भी बढ़ जाता है और ये खाने में इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि आप इसके स्वाद को आप भूल ही नहीं पाएंगे। अब मिर्ची भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब हमने जो नाश्ता बनाया था हम उस नाश्ते को एक एक करके इस तड़के के अंदर डाल देंगे और 1 मिनट के लिए इस तड़के के अंदर हम पका लेंगे।
एक मिनट हो गए हैं, तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इस नाश्ते को सर्व करेंगे। तो देखिए कितने स्वादिष्ट ये वेजिटेबल फरे बनकर तैयार हुए हैं, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप एक बार इस तरह से इस वेजिटेबल फरे की रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।